अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज जो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, वो आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर लेकर आई हूँ। कि आप लोगों ने मुझसे, बहुत सारे लोग थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आपने जो इंटरव्यू दिया है तो उसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस तरीके से आपने वहाँ पर डील किया था या क्या था, जो भी था। तो मैं आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी उसी से रिलेटेड, कि किस तरीके से मुझसे वहाँ पे जब मैं स्कूल में इंटरव्यू देने गई थी तो मुझसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो मैं वही सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो वाकई में आकर यहाँ पर इंटरव्यू फेस करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, और जिन्हें चाहिए हैं कि हाँ हम जाते ही बस एकदम से हमारा जो है जॉब क्लियर हो जाए, अगर वहाँ पे वैकेंसी हो और हमें जॉब मिल जाए वहाँ पर। ठीक है, दुबई में या किसी भी और कंट्री में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका आंसर हम डायरेक्टली उन लोगों को सामने से दे सकें। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू क्या होता है, हमेशा इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन मस्ट है। अगर कोई कहे कि अरे बिना आप सिर्फ आपके पास इंग्लिश फ्लुएंसी होनी चाहिए और आपके पास अगर वो है तो आप तो कोई भी आंसर वहां पे दे सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको फुल प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। आप लोग प्लीज इन क्वेश्चंस को जब आप जाएं अपनी, इवन अपनी कंट्री में भी अगर आप इंटरव्यू देने कहीं जा रहे हैं स्कूल में या किसी भी और यू नो कंपनी वगैरह में देने जा रहे हैं, तो भी आप इस क्वेश्चंस का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये नॉर्मली हर एक इंस्टीट्यूट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक कंपनी में, हर एक स्कूल में, यही होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे भी यही पूछा गया था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो इस पर मैंने क्या आंसर दिया था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको इंटरव्यूअर को थैंक यू बोलना है, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद आपको अपना नेम बताना है, और याद रहे आपको अपना फुल नेम बताना है। ठीक है, यहाँ पे आप माई सेल्फ ये इस तरीके से कुछ नहीं बोलेंगे, सिंपली आपको बोलना है माई नेम इज दिस, आपको फुल नेम बताना है। ठीक है, माई सेल्फ वगैरह करके नहीं बोलना है, ये गलत होता है। ओके, नेक्स्ट आपको बताना है अपनी क्वालिफिकेशन, जो भी आपने क्वालिफाइड हैं आप वो बताना है यहाँ पे, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस बताना है आपको, जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं वो बतानी है आपको। और उसके बाद लास्टली आपको बताना है कि आप ये जॉब क्यों अप्लाई करना चाहते हो, व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि बेसिकली आपको इसमें बोलना क्या है। ठीक है, तो आपको मैंने फिलहाल यही सारी चीज़ें बोली थी वहाँ पर, और उस पर ही मेरा वहाँ पे लास्ट टाइम जब मेरा जॉब मेरी लगी थी तो सिलेक्शन मेरा इसी के बिहाफ पर ही हुआ था। तो जो मुझसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड करे हैं, और जो मुझसे इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड करे हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर थरली याद कर लेते हैं, मैं ये कहती हूँ अगर किसी को इंग्लिश नहीं भी आती है, इंग्लिश इन द सेंस कि बिल्कुल उसकी फ्लुएंसी जो है वो काफ़ी हद तक मतलब अच्छी नहीं है, वो अगर इनको याद करके भी चला जाए, इनको अच्छे से प्रिपेयर करके भी चल जाए, तब भी वो सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, वो ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो एटलीस्ट आप वहाँ पर इसको अच्छे से याद करके प्रिपेयर करके वहाँ पर इंटरव्यू तो एटलीस्ट अच्छा दे सकते हैं, जिसके बिहाफ पे मे बी आपकी जॉब लग जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था उन्होंने वो ये था, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेसेस। तो आपको क्या बोलना है, माई स्ट्रेंथ्स आर आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग गर्ल और बॉय, आई कैन टेक ऑन मल्टीपल टास्क, आई डू प्लानिंग बिफोर गेट इन टू द टास्क, एंड माई वीकनेसेस आर आई कांट से नो टू पीपल एंड गेट इमोशनल एट टाइम्स। तो सेकेंड क्वेश्चन जो था वो मुझसे यही पूछा गया था कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस क्या हैं, पर जो मैंने आंसर किया था वो यही सारा आंसर किया था जो मैं आपको अभी दिया है। तो अगर आप लोगों को ये आंसर अच्छा लगता है तो आप भी यही आंसर वहां पर देना। ठीक है, मे बी वो आपसे सिर्फ स्ट्रेंथ पूछ लें, वीकनेसेस ना पूछें, मे बी वो आपसे वीकनेसेस पूछ लें, स्ट्रेंथ ना पूछें, और शायद ये भी हो सकता है कि वो आपसे दोनों चीज़ें पूछ लें। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझसे दोनों ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। ठीक है, अब चलती हूँ मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि तीसरा क्वेश्चन मुझसे उन्होंने क्या पूछा था। तो उनका क्वेश्चन जो था वो ये था कि व्हाट आर योर करियर गोल्स। तो मैंने उसका आंसर किया था, माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन एनी रेप्यूटेड स्कूल वेयर आई कैन यूटिलाइज माय स्किल्स एंड इम्प्रूव माय करियर पाथ।
एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी इन रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन दैट स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था वो था डिस्क्राइब योर टीचिंग स्टाइल. इसमें मैंने दो ही पॉइंट बताए थे, इंगेजिंग स्टूडेंट इन सम एक्टिविटीज एंड द सेकेंड वन इज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंक्रीजेस द ओवरऑल आउटकम परसेंटेज. अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे और पूछा गया था कि हाउ वुड यू मैनेज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स का बिहेवियर कैसे मैनेज कर सकते हैं. तो मैंने उस पर फिर से दो ही पॉइंट बोले थे. पहला था सेट बाउंड्रीज एंड रूल्स फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, मतलब मैं पहले ही दिन से बाउंड्रीज जो है उनके बीच में क्लियर कर दूंगी और रूल्स एंड रेगुलेशन. एंड द सेकेंड वन इज फोकस ऑन एप्रिसिएशन इन बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन, मतलब अगर उन्होंने अच्छा वर्क किया तो मैं उनको सर्टिफाइड करूंगी या तो स्टार से या फिर कोई एक सर्टिफिकेशन दूंगी या उनको अप्रिशिएट करूंगी, तो उसके थ्रू मैं उनको यहाँ पर ये सारी चीजें प्रोवाइड. तो यहाँ तक मेरे 5 क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो चुके हैं. बस सिर्फ एक क्वेश्चन और रह गया है जो उन्होंने मुझसे एंड में पूछा था पूरा इंटरव्यू कवर करने के लिए, तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ. तो प्लीज चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा था वो भी आप देख लीजिए, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, उन लोगों की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जिनको ये जानना था कि दुबई में किस तरीके से इंटरव्यू लिया जाता है, किस तरीके से डेमो लिया जाता है. तो वही सारी चीजें मैंने आज आपको यहाँ पे होप आपको क्लियर करी होंगी. और जो रही बात डेमो की, तो डेमो भी आपका यहाँ पर लिया जाता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग पहले इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू के ही दौरान आपको डेमो की डेट भी बता देते हैं कि आपको डेमो के लिए कब आना है. चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. वाई शुड वी हायर यू? If you hire me, it will be great platform to showcase my skills and I satisfy all the requirements for this job. I am sincere with my work and would never let you down in any way. I promise you will never regret to appoint me in your school. I hope sare questions aapko yahan tak clear ho hi chuke honge ki kis tarike se kaise aapko kin questions ka answer dena hai, kaise dena hai. और यहाँ पे आप अपने आंसर्स चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, बट मैंने जो आंसर्स दिए थे मैंने यहाँ पे वही मेंशन किए हैं. तो अगर आपकी मर्जी हो कोई और आंसर देने का तो आप वो भी दे सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मतलब कंपनी है या किसी और कंपनी के लिए देना चाह रहे हैं आप ये इंटरव्यू, तो आप वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इस आंसर्स को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. और बस मैं मिलती हूँ फिर न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.